सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप हैं डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पे जो हेल्थ के लिए वीडियोस बनाता है। आपको आज जो वीडियो मिलने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सियाटिका या बैक पेन में कौन सी एक्सरसाइज, कौन से योगा पोस्चर्स किए जाने चाहिए, कौन से योगा पोस्चर या कौन से एक्सरसाइज नहीं किए जाने चाहिए और क्यों नहीं किए जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि सियाटिका में किस तरह के एक्सरसाइजेस किए जाएं। पहले तो मैं ये बताऊं कि कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि सियाटिका में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके सवाल का जवाब है बिल्कुल सियाटिका के केसेस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बैक पेन है या आपका जो कमर का दर्द है वो किस कैटेगरी का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मेडिकल साइंस में हमेशा पेन की कैटेगरी तीन लेवल पे डिसाइड होती है। माइल्ड मतलब बहुत शुरुआती पेन, मॉडरेट मतलब ज़्यादा हो रहा है लेकिन बीरेबल है, एंड सीवियर मतलब अब अनबीरेबल पेन है, आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट रेस्ट आपको तब जरूरत है जब एक्यूट पेन है और पेन आपका किसी भी कंडीशन में सबसाइड नहीं हो रहा है, आपको इंजेक्टेबल्स लग चुके हैं, आपको मेडिसिन चल चुकी हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी मेडिसिन हो या कोई और पैथी के तरीके से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना है। आपको बिल्कुल भी सिंगल सेकेंड के लिए भी मूव नहीं करना है। मूव नहीं करना मतलब आप कंप्लीट बेड रेस्ट में रहेंगे, आपको मूवमेंट ना कीजिए, आप जगह पे रेस्ट कीजिए, क्योंकि रेस्ट करने से आपका पेन रिलीफ होगा और जिस जगह पर आपके नर्व कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है या कैनाल स्टेनोसिस है या और भी दूसरी कंडीशन जनरेट हो रही है, तो वो कंडीशंस को बेटर फील होगा क्योंकि आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगा। स्पाइन की स्ट्रेटनिंग जरूरी है, स्पाइन स्ट्रेट होगा तो जो डिस्क एक दूसरे के ऊपर जो लगी हुई है वो रिलैक्स होगी एंड सियाटिक नर्व पे जो कंप्रेशन है ड्यू टू डिस्क बल्ज वो कम हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ पेन कैसा है, कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है। यदि पेन माइल्ड है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज पे रहें, आपको बहुत अच्छे से बहुत आराम से धीरे धीरे करना है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज जैसे जैसे करेंगे, जो हम एक्सरसाइज अभी आपको यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, पांच एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, तीन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो कि आपको बहुत रिलीफ देगी सियाटिका के पेन से। तो अगला जो पार्ट है वो आपको सियाटिका के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो बताएगा। देखते हैं कि सियाटिका में कौन से सी एक्सरसाइज की जाए। मेरे पीछे ही मेरे जूनियर डॉक्टर यहाँ पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर देवांगन, और वो आपकी हेल्प करेंगे सियाटिका की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको समझने के लिए। तो ये आपको देख रहे होंगे, पहली एक्सरसाइज जो हम सियाटिका केस में करेंगे वो यहाँ से, शायद आपको यहाँ अच्छा व्यू होगा। तो पहली एक्सरसाइज जो हम सियाटिका केस में करने वाले हैं वो देखिएगा, फर्स्ट लेग को आप करो, ठीक है, स्ट्रेट दिस वन, ये पोस्चर आप देखिए, स्ट्रेट फ्लेक्स करो, तो इस तरह से आपको इसको फ्लेक्शन करना है। देन नेक्स्ट लेग, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, याद रहे ये फर्स्ट जब आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये इस पे एक 90 डिग्री का एंगल रहे और ये दोनों पे, और आप इसको जब भी मूव करेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पे ही रहे, ये आपको स्पेशली करना है। देन सेकंड वन, उस पैर को भी आपको फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, अभी हाथ यहां पे रखें, एक यहां रखें एंड टेन सेकेंड का होल्ड, देन रिलैक्स
and keep your legs down. Then second, पैर का जो gap है वो proper रहे. फिर ये and then move like this. Then relax. अब ये जो दो exercises थे ये बहुत important थे क्योंकि इसमें आपका जो पेल्विक होता है, पेल्विक गर्डल, आपका जो स्पाइन होता है वो स्ट्रेट हो जाता है. स्पाइन जैसे ही स्ट्रेट होगा तो स्पाइन में जो कंजेशन है दो बोन्स के बीच में, जो डिस्क होती है, डिस्क जो बल्ज हो रही है वो रिलीज होगी. डिस्क बल्ज मतलब इट इज लाइक ओपनिंग द जॉइंट्स. तो जैसे ही ये रिलीज होगा तो कैनाल स्टेनोसिस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. जो कैनाल स्टेनोसिस होती है उसमें उसके लिए मेडिसिन भी हम लोग ने बताया, कैल्केरिया फ्लोर इज द बेस्ट ड्रग फॉर कैनाल स्टेनोसिस, तो वो आप करें. तीसरा जो है आप जो भुजंग आसन जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा की भाषा में इसे भुजंग आसन बोला जाता है और फिजियोथेरेपी की भाषा में इसे कोबरा पोज बोला जाता है. दिस इज कोबरा पोज, या आप आयुर्वेद में बोलेंगे योग की भाषा में तो इसे बोला जाता है भुजंग आसन. और भुजंग आसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 95-96% केसेस के लिए. भुजंगासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन भुजंगासन करते समय एक थोड़ी समस्या होती है उन लोगों में जिनमें फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है. अब फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी क्या होता है इसको समझते हैं. फैसेट जॉइंट जो होते हैं वो दो जो बोन्स हैं आपके वर्टिब्राज हैं उन दोनों बोन्स के बीच में जो गैप होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके जो जॉइंट है उसे फैसेट जॉइंट बोलते हैं. होता क्या है कि यदि आप भुजंगासन ज़्यादा कर रहे हैं और यदि आपको आपके एमआरआई में आया हुआ है कि फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी, तो भुजंग आसन ना करें. क्योंकि भुजंग आसन जब होता है फैसेट जॉइंट वालों के प्रॉब्लम वालों को, तो फैसेट जॉइंट की आर्थ्रोपैथी में होता यह है, आप रिलीज कर लीजिए. फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में होता यह है कि जो दो वर्टिब्राज के बीच में जो डिस्क है, डिस्क खराब हो जाती है. समझ लीजिए डिस्क का पैर यदि खराब हो गया तो एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रगड़ खाएगी, मतलब एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा पे रगड़ खाएगी और वहाँ जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा. जॉइंट इन्फ्लेम्ड होने की वजह से पेन होगा, ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी के केस में भुजंग आसन अवॉइड तो ना करें लेकिन कम करें, इसका ड्यूरेशन कम करें. और जो भी आसन है वो कम से कम 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए रखें. 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा का आप ड्यूरेशन ना करें, क्योंकि जिनमें पेन ज़्यादा है उनको तो मैंने बिल्कुल अवॉइड करने बोला है किसी भी तरह से, लेकिन जो माइल्ड पेन है जिन्हें वो इसे कर सकते हैं आप अनॉर्मल बोल रहे हैं. तो मैं अब ये बताने वाला हूँ कि दो और कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने सर्वाइकल स्पाइन को भी के भी पेन को रिलीज करेंगे. तो ऐसे ही आप रहें और सर्वाइकल स्पाइन के जो पेन है उसको रिलीज करने के लिए आप स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करें. इरेक्ट स्पाइन होगा, स्पाइन जब इरेक्ट होगा उसके बाद ये दोनों शोल्डर्स को अपने कानों की तरफ लेकर आएंगे ये. और ट्राई टू गिव प्रेशर ऑन दिस पोर्शन. आप इस पोर्शन में जो प्रेशर देंगे तो ये वाली जो मांसपेशियां हैं बैक की, शोल्डर की और बैक की, इस पोर्शन की, सर्वाइकल रीजन की, ये रिलीज करेगी प्रेशर और फिर आपको पेन में बहुत आराम लगेगा. नेक्स्ट के लिए आप हाथ को थोड़ा पीछे रखें. हाँ, इसे थोड़ा सीधा करें, ठीक है. दोनों हाथ में किसी भी तरह का गैप रखें, ये स्ट्रेट रहेगा एंड ये. तो इससे आपका ये वाला जो स्पाइन है ये इरेक्ट होगा एंड रिलीज. बस तो ये जो काम की चीजें हैं इसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब आप नीचे आ जाए. होगा ये कि जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं वो आपके स्पाइन को रिलीज करने के लिए हो रही हैं. रिलीज करने मतलब स्पाइन में जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए. और स्पाइन का प्रेशर रिलीज करने के लिए एक और एक्सरसाइज हम पीछे की तरफ बेंडिंग करेंगे. बैक बेंडिंग में करेंगे ये, थोड़ा सा सामने, ठीक है. बैक बेंडिंग में करेंगे क्या ये कि ये इस पोर्शन में अपने हाथ को रखेंगे और बैंड लेंगे. बैक बेंडिंग इस तरह से होगी एंड थोड़ी देर बाद आप उसको रिलीज कर लेंगे. यदि आपका वेट ज़्यादा है तो बैक बेंडिंग करते समय आप साइड से किसी जगह का सपोर्ट ले लें, यदि आपका वेट ज़्यादा है, बैठ जाए. तो ये थी हमारी वो एक्सरसाइजेस जो हम बताना चाह रहे थे सियाटिका के केसेस के लिए. ये
पांच एक्सरसाइजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए, आप इसे करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और पूरा जो कोशिश होता है वो ये होता है स्पाइन को कितने अच्छे तरीके से हम इरेक्ट करें, रिलीज करें उसका प्रेशर, ताकि हमारी जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन, हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट हो। पोस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रोल अदा करता है सियाटिका के पेशेंट में। सियाटिका में जो नर्व कंप्रेशन होता है सियाटिक नर्व का, उससे नर्व कंप्रेशन, नर्व पेन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जब जा रहा है सियाटिक नर्व पे डिस्क के बल्ज होने की वजह से, तब आपको सियाटिका होता है, सियाटिका के पेन के फीचर आते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आपके जो पेन है उसको बहुत रिलीज करेगी। और मैं इसके लिए आपको सलाह दूं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का कोई बहुत अच्छा चैनल आपको यदि मिलता है यूट्यूब में तो आप उसको फॉलो करें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो देखने की चीज़ नहीं है, एक्सरसाइज करने की चीज़ है, और एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट करें। तो मैं एक और सलाह आपको आज यही दे रहा हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट, जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो ऑर्थो फिजिशियंस हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, जो ऑर्थो फिजिशियन मतलब ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, न्यूरो डिपार्टमेंट देखते हैं, तो इन लोगों की मदद लें, इन डॉक्टर्स की मदद लें, ये आपको प्रॉपर सलाह, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आप सही चीज़ें सीख पाएंगे, अच्छी चीज़ें देख पाएंगे। और यदि आप किसी योगाचार्य से मिल रहे हैं या योग की तरफ जा रहे हैं तो योग के लिए भी एक्सपर्ट की सलाह लें, जिसे मेडिकल फील्ड का आपको नॉलेज हो और योग के फील्ड का, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो, तब आप अपने ट्रीटमेंट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देख के कुछ भी चालू हो जाए वैसा ना करें। जो हमने एक्सरसाइजेस और आपको ये चीज़ें बताई हैं ये 100% टेक्निकल चीज़ है, इसे करने के लिए मेरे वीडियोज़ के साथ साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी फॉलो करें, फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में करें। आशा है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एज यूजल ये भी यूट्यूब से ही है तो आप लोगों की सलाह के लिए फोन आते रहते हैं, फोन ना करें, हमारे नंबर हमने जो दिया है 6265772077 उस पर व्हाट्सएप करना है 6265772077। हम लोग आपको जो सलाह होती है हमारे चैनल के माध्यम से वो फ्री है, मुफ्त है, आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ इस पर कॉल ना करें, क्योंकि हम सबके कॉल रिसीव नहीं कर सकते। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मेडिसिन के बारे में, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में गाइडेंस कर पाएँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, जिस तरह से आप सारा वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से करते रहिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, चैनल ये वाला जो वीडियो है बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।